हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इस हैंड का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे इसमें हमें नया क्या क्या सीखने को मिलता है। तो एज यूजुअल हम सबसे पहले फिंगर से शुरू करेंगे, फिंगर्स देखेंगे इनकी किस तरह की हैं और क्या हमें बताती हैं। तो यहाँ इस फोटोग्राफ में आप क्लियरली देख सकते हैं कि फिंगर्स की लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ से हम यह कह सकते हैं कि इनकी जो नेचर रहेगी वह क्विक डिसीजन लेने वाली रहेगी, यानी बहुत ज़्यादा सोच विचार नहीं करेंगे कोई डिसीजन लेने से पहले, बहुत ज़्यादा एनालिसिस करना इनकी नेचर में नहीं रहेगा। कुछ इस तरह का रुझान इनकी फिंगर से मुझे दिखाई दे रहा है। उसका नेचर बहुत फ्रेंडली है इनकी। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि ज़्यादातर लाइनें बड़ी क्लियर लाइनें इस तरह की जो दिखाई दे रही हैं मुझे। यहाँ पर खड़ी हुई रेखाएँ इनके हाथ में काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही हैं, तो कह सकता हूँ काफ़ी फ्रेंडली नेचर रहेगी, काफ़ी अच्छे दोस्त यह एक तरह से उभर कर सामने आ रहे हैं, बहुत ही लॉयल पर्सनैलिटी। उसके बाद अगर बाकी की फिंगर्स को चेक किया जाए तो आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर जो इनकी अपोलो फिंगर है यह लगभग मध्यमा के टॉप तक पहुँचने वाली है। तो बहुत ही अच्छी क्वालिटीज इनके अंदर रहेंगी, आर्टिस्टिक क्वालिटी, आर्ट के प्रति काफ़ी ज़्यादा झुकाव रहेगा इनके अंदर, और जैसे नेचुरल सीनरीज होती हैं उनसे इनको काफ़ी लगाव रहेगा। और एक यह जरूरी नहीं होता कि जिनकी अपोलो बहुत लंबी हो वह व्यक्ति किसी आर्टिस्टिक फील्ड में ही काम करें, काम ये किसी भी फील्ड में कर सकते हैं, लेकिन आर्ट के प्रति झुकाव रहता है ऐसे व्यक्ति के अंदर। तो कुछ इस तरह का जो इनकी नेचर है यहाँ से पता चल रही है। तो उसके बाद अगर हम बात करें इनकी बृहस्पति की, जुपिटर फिंगर की, तो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है। यहाँ से आप देख सकते हैं दोनों का डिफरेंस। तो वैसे स्टैमिना और एनर्जी काफ़ी रहेगी क्योंकि थिकनेस बहुत है इनकी फिंगर्स में, तो लेकिन बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी नहीं रहेगी, बहुत ही कूल टाइप पर्सनैलिटी इसको कह सकते हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी फिंगर या हो जाए तो व्यक्ति के अंदर बृहस्पति के गुण तो आते ही हैं, साथ में डोमिनेशन यानी कि दूसरों के ऊपर हुक्म चलाने की प्रवृत्ति भी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर इनकी यह फिंगर ज़्यादा लंबी नहीं है, तो काफ़ी कूल पर्सनैलिटी है इनकी। और उसके बाद अगर बात करें यहाँ पर इनकी मर्करी फिंगर की, थोड़ी लो सेट है। यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ जैसे फिंगर की जो लेंथ है वह बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है, थोड़ी लो सेट है मर्करी। तो शाइनेस रहेगी इनके अंदर, बड़ी जल्दी किसी के साथ ओपन अप नहीं हो सकते, कुछ इस तरह की पर्सनैलिटी है इनकी। और कम्युनिकेशन में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम रह सकती है, और साथ ही साथ यहाँ पर गैप दिखाई दे रहा है मुझे काफ़ी क्लियर, तो थोड़ा सा हट यानी ज़िद्दीपन भी इनके अंदर हो सकता है, यह इनकी मर्करी की फिंगर शो कर रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इनके माउंट्स को देखेंगे, माउंट्स हमें क्या क्या बता रहे हैं, थोड़ा सा क्लोजअप लेंगे और माउंट्स को अच्छी तरह चेक करेंगे ताकि एक एक चीज़ क्लियर हो सके। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं, अब एक एक माउंट बड़ी क्लियरली इस वीडियो में आपको दिखाई दे रहा होगा। तो सबसे पहले बृहस्पति से शुरू करेंगे, बृहस्पति यानी कि गुरु, काफ़ी अच्छी एक लाइन चलकर आ रही है गुरु पर। यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा आपको, यह जो एक लाइन है यहाँ से चल रही है कुछ इस तरह से बृहस्पति तक पहुँच रही है, इसको प्रोग्रेस लाइन कहते हैं, यानी कि काफ़ी प्रोग्रेस रहेगी लाइफ में, थ्रू आउट द लाइफ यह काम करेंगे और बहुत मन लगाकर काम करेंगे, और उस काफ़ी अच्छी तरक्की भी इनको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। और उसके बाद बात करेंगे सैटर्न की, सैटर्न के ऊपर भी सैटर्न की लाइन चलकर पहुंच रही है। यहाँ से आपको नीचे से एक लाइन आती दिखाई दे रही होगी कुछ इस तरह से, सैटर्न तक पहुंच रही है, लेकिन कुछ आड़ी रेखाएं भी हैं जो थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहेगी इसके कारण, क्योंकि सैटर्न का माउंट एवरेज है, बहुत ज़्यादा डेवलप्ड भी नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा दबा हुआ भी नहीं है। तो कहना चाहूँगा कि सैटर्न के संबंधित इनको थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, मेहनत के बाद ही फल मिल पाएगा। आगे बात करेंगे अपोलो माउंट की, अपोलो माउंट भी यहाँ से एक बड़ा क्लियर दिखाई दे रहा है मुझे, कुछ आड़ी रेखाएं होने के साथ साथ कुछ खड़ी रेखाएं हैं, यानी फोकस्ड एनर्जी नहीं रहेगी, आर्टिस्टिक क्वालिटीज इनके अंदर होंगी लेकिन यह उसके ऊपर फोकस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दो से तीन लाइनें होने का मतलब होता है कि फोकस थोड़ा कम हो जाता है, डाइवर्शन हो जाती है। उसके बाद मर्करी, मर्करी थोड़ा सा मुझे वीक नज़र आ रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से कुछ बहुत कम स्पेस मिल रही है मर्करी को यहाँ पर हाथ में, क्योंकि जितनी ज़्यादा स्पेस मिलेगी किसी भी प्लैनेट को उतना ही उसको अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पर मर्करी थोड़ा वीक ज़रूर है लेकिन इनकी कैलकुलेशंस अच्छी रहेंगी, क्योंकि खड़ी लाइनें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं,
कम्युनिकेशन में थोड़ी सी शाइनेस रहेगी, लेकिन वैसे कम्युनिकेशन वीक नहीं होगा, लैंग्वेज के ऊपर अच्छा कंट्रोल रहेगा इनका, लेकिन थोड़ा सा एक तरह से कह सकते हैं मर्करी वीक होने के कारण ऐसे व्यक्ति बड़ी जल्दी ओपन अप नहीं हो पाते। इसके बाद आगे माउंट्स के बाद बात करेंगे इनकी लाइंस की, लाइंस हमें क्या क्या बता रही हैं चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हार्ट की लाइन की बात करेंगे, हार्ट की लाइन में आप देख सकते हैं कुछ इस तरह के टैसल टाइप फॉर्मेशन, कुछ ब्रांचेस जो ऊपर और नीचे दोनों तरफ जा रही हैं, यहाँ से आपको क्लियरली दिखाई दे रही होंगी कुछ ब्रांचेस हैं। जो नीचे की तरफ चलने वाली ब्रांचेस होती हैं यह होती हैं स्ट्रेस की ब्रांचेस, और यहाँ पर आप देख सकते हैं हार्ट की लाइन से निकलकर एक मंगल की तरफ जाने वाली दो लाइनें भी नजर आ रही हैं। तो यह कुछ ऐसी फॉर्मेशन बनती है कि थोड़ा सा व्यक्ति इमोशनली डिस्टर्ब रहता है किसी ना किसी वजह से, चाहे वो फैमिली प्रॉब्लम हो, चाहे वो लव रिलेशनशिप हो, या कुछ भी जिसके कारण थोड़ी सी एक तरह से प्रॉब्लम रहती है, इमोशनली व्यक्ति थोड़ा प्रभावित होता है और कुछ अग्रेशन भी रहता है इसी वजह से, क्योंकि इनकी एक लाइन जो है वो मंगल की तरफ जाने की कोशिश कर रही है और उसकी साथ ही साथ एक लाइन तो मंगल तक पहुंच भी रही है यहाँ से आप देख सकते हैं। तो थोड़ा सा गुस्सा अग्रेशन इनके अंदर रह सकता है। और बाकी अगर बात करें ओवरऑल हार्ट की लाइन की, तो वैसे मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही, हार्ट की लाइन काफ़ी अच्छे कोर्स में है, यहाँ तक पहुँच रही है लगभग। थोड़े मटेरियलिस्टिक यह रहेंगे क्योंकि सैटर्न के नीचे जाकर यह जो लाइन है झुकाव ले रही है, तो थोड़ा सा मटेरियलिज्म की तरफ इनका ध्यान ज़्यादा रहेगा, बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होंगे, लेकिन कुछ इमोशनल सेटबैक्स इनको लाइफ में मिलेंगे क्योंकि बड़ी लाइनें नीचे की तरफ झुक रही हैं। तो लाइफ में अलग अलग पड़ाव पर यानी कि मिडिल एज के आसपास जाकर थोड़े से इमोशनल सेटबैक इनको मिल सकते हैं यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हुए इनकी लाइफ की लाइन को और माइंड की लाइन को देखेंगे। एक बार सारी लाइनों को मिटा रहा हूँ यहाँ पर, थोड़ा सा और स्क्रॉल करेंगे हैंड को ताकि बाकी की लाइनों को भी क्लियरली देखा जा सके। यहाँ से बड़ी क्लियर लाइंस दिखाई दे रही हैं इनकी। तो सबसे पहले दिखाना चाहूँगा आपको माइंड की लाइन, यहाँ से अंदर से आकर माइंड की लाइन जो है ऐसे बढ़ रही है कुछ स्पोर्ट्स के साथ, कुछ थोड़ी सपोर्ट मिल रही है, और यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको, यहाँ से चल रही है मेनली यह लाइन और कुछ इस तरह से कुछ यहाँ तक चल रही है। अगर आपको क्लियरली ड्रॉ करके दिखाना चाहूँ तो कुछ ऐसे लाइन चल रही है इनकी माइंड की। तो यह लाइन जो मंगल की तरफ से चलती है अंदर से, यानी कि लाइफ लाइन के अंदर से, ऐसे व्यक्ति जो होते हैं लाइफ में बहुत से काम बड़ी एक तरह से जोश से शुरू करते हैं, नए नए आइडियाज़ माइंड में आते हैं, थोड़ी अग्रेशन भी होते हैं, अग्रेसिव टाइप होते हैं, क्योंकि मंगल से चलने वाली लाइन है, माइंड थोड़ा अग्रेसिव रहता है, लेकिन जैसे जैसे थोड़ा टाइम बीतता है तो थोड़ी सी चेंजेस ये करते रहते हैं, यानी एक ही प्लान के ऊपर स्टिक नहीं हो पाते, प्लान्स इनकी चेंज होते रहते हैं लाइफ में। कुछ इस तरह की जो माइंड की लाइन है इनकी यहाँ पर इनके स्वभाव के बारे में बता रही है। उसके बाद ओवरलैपिंग हो रही है माइंड की लाइन में, यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं लाइन आगे बढ़ रही है कुछ इस तरह से, और दोनों में ओवरलैपिंग है, यहाँ पर एक ओवरलैप नज़र आ रहा है। तो बताना चाहूँगा कि इस एज में चलकर, यानी कि जो इनकी 45 से 50 की एज होगी, इस एज में चलकर माइंड सेट में बड़ा बदलाव आएगा इनकी। 45 से 50 वर्ष की आयु के अंदर इनकी सोचने की और काम करने की जो एक तरह से मेंटेलिटी है वह पूरी तरह से चेंज हो जाएगी। कुछ ऐसी घटना या इंसिडेंट इनकी लाइफ में होगा जिसके कारण ये अपने आप को कम्प्लीटली चेंज कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लाइफ लाइन पे कुछ सेटबैक्स की लाइंस दिखाई दे रही हैं मुझे, कुछ इमोशनल प्रॉब्लम्स की लाइंस दिखाई दे रही हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे आगे बढ़ते हुए। उसके बाद इनकी फेट लाइन चेक करेंगे और जो जो मुझे नज़र आता है उन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो आगे चलने से पहले थोड़ा सा हैंड की फोटोग्राफ को थोड़ा सा साइज में छोटा कर रहा हूँ ताकि क्लियरली इनकी पूरी की पूरी लाइन हमें दिखाई दे सके। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही क्लियर लाइन इनकी मुझे दिखाई दे रही है, तो एक बार ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा आपको। तो कुछ इस तरह से चल रहा है लाइफ लाइन का इनका जो रूट है, कुछ ऐसा चल रहा है, काफ़ी अच्छा कर्व है, और साथ ही साथ विदेश जाने की एक लाइन मुझे यहाँ से काफ़ी क्लियर नज़र आ रही है, मून की तरफ चल रही है लाइन। तो फॉरेन सेटलमेंट के काफ़ी चांसेस हैं, लेकिन अपनी फैमिली के साथ अटैचमेंट भी काफ़ी अच्छा इनका रहेगा। तो यहाँ पर कोई डाउट नहीं है, क्योंकि एक तो इनका जो मंगल है यहाँ पर आउटर मार्स है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और मून है या ओवर डेवलप्ड है, तो इनके अंदर घूमने फिरने की और एक तरह से
अग्रेशन की थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी, घूमना फिरना काफ़ी पड़ेगा लाइफ में, काफ़ी ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी, मून कुछ ऐसा दर्शाता है, और थोड़ी सी कल्पनाएं ज़्यादा चलेंगी माइंड में, क्योंकि मून का जो एरिया है इनके हाथ में वो कुछ ओवर डेवलप्ड मुझे दिखाई दे रहा है। और उसके साथ साथ लाइफ लाइन काफ़ी अच्छी है, लाइफ इनकी लगभग अगर प्रडिक्ट करना चाहूँ तो 90 प्लस तक जा सकती है, बहुत लंबी लाइफ है इनकी। यहाँ पर काफ़ी क्लियर लाइन है बिना किसी कट के या बिना किसी बैड मार्किंग के, लेकिन बीच में जो प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक तो यह है जो माइंड की लाइन काट कर गई, जहाँ जहाँ पर लाइंस काट कर चल रही हैं यहाँ पर लाइफ में, यह सब इमोशनल प्रॉब्लम्स है। और एक बड़ी लाइन काट कर चल रही है यहाँ पर, देख सकते हैं कुछ लगभग इतनी बड़ी लाइन है ये, यह जो लाइंस काट कर चल रही हैं टच हो रही हैं, यह सारी प्रॉब्लम्स की लाइंस हैं, और कुछ लाइंस यहाँ तक टच हो रही हैं आप देख सकते हैं, जो टच हो रही है सिर्फ उनकी बात कर रहा हूँ, जो छोटी लाइंस हैं ये सिर्फ वरी लाइंस होती हैं, जो प्रॉपरली टच हो रही हैं यह कुछ प्रॉब्लम देती हैं, यानी कि लाइफ को डिस्टर्ब करती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग एजेस में सबसे लंबी जो लाइन है यह मुझे दिखाई दे रही है लगभग 30 के आसपास की एज, 30 के आसपास की एज में कुछ प्रॉब्लम इनको रहेगी, लेकिन घबराने की बात नहीं, क्योंकि लाइफ लाइन के फ्लो में कोई डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा, लाइफ आगे भी ऐसे ही स्मूथ चलती रहेगी, और कुछ प्रॉब्लम्स बाद में भी आएंगी लेकिन बहुत ज़्यादा डीप प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। सबसे डीप जो प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रही थी वो 30 की एज के आसपास में है, उससे पहले वाली एज निकल चुकी है, छोटे मोटे जो स्ट्रेस थे वो निकल चुके हैं, यह स्ट्रेस लाइन सबसे लंबी है, तो इन्हें थोड़ा सा तैयार रहना चाहिए इसके लिए। तो आगे बढ़ते हुए बाकी के लेंस को चेक करते हैं, यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है कि फॉरेन के सेटल होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं इनके हाथ में, क्योंकि फिश टाइप जो स्ट्रक्चर बन रहा है यहाँ पर नीचे केतु के ऊपर, और एक लाइन जो निकल कर जा रही है, आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, यहाँ पर कुछ यहाँ पर जो इनके हाथ में लाइंस बन रही हैं यहाँ आप देख सकते हैं, ये फिश के फिश का मार्क जिसको हम कहते हैं केतु, यह जो एरिया है केतु का एरिया, यह जो एरिया है केतु का एरिया होता है, और इस पे यहाँ पर जो ये फिश जिसको मच्छ रेखा कहा जाता है पामिस्ट्री में, वैसा चिन्ह बन रहा है जो फॉरन सेटल करवाता है, और एक लाइन जो निकल कर यह से बाहर की तरफ चल रही है, ये दोनों निशान कुछ इस तरह की कॉम्बिनेशन बनती है जिससे व्यक्ति फॉरन जाता है और काफ़ी प्रोग्रेस भी पाता है वहाँ जाकर, और वहीं पर सेटल हो जाता है, लेकिन फैमिली के साथ जुड़ाव भी काफ़ी अच्छा रहेगा। उसका रीज़न यह है कि इनकी जो लाइन है लाइफ की, यह आती हुई कुछ इस तरह से मुड़ रही है पीछे की तरफ, और इस तरह की जो लाइन मुड़ती है तो यह वीनस क्षेत्र है, वीनस के ऊपर, तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं इनके अपनी फैमिली के साथ जुड़ाव काफ़ी रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इनकी फेट लाइन को चेक करते हैं, फेट लाइन क्या कहती है इनके बारे में, तो थोड़ा सा साइज एक बार डिक्रीज करेंगे, यहाँ से आप देख सकते हैं काफ़ी क्लियर फेट लाइन, काफ़ी अच्छी फेट लाइन चल रही है और लगभग सैटर्न के ऊपर तक पहुंच रही है, लेकिन थोड़ी सी आगे चलकर यहाँ से वीक हो रही है। आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ तक की जो लाइन है काफ़ी क्लियर है, काफ़ी डीप है, तो यहाँ से नीचे से चल रही लाइन है तो काफ़ी प्रोग्रेस रहेगी 36 की एज तक, 36 के बाद थोड़ी सी जो इनकी आगे फेट लाइन है थोड़ी सी लाइट हो रही है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कोई बहुत बड़ा नुकसान होगा, यानी यह हो सकता है कि थोड़ा सा यह किसी और दिशा में अपने माइंड को लगाना शुरू कर देंगे, चाहे वो रिलीजियस थिंग्स हो या कुछ भी हो, यहाँ पर थोड़ा सा 36 के बाद जो एज है थोड़ी सी चेंजेस आएंगी इनकी लाइफ में, और थोड़ा सा यह इनकम की तरफ अपना यानी जॉब की तरफ अपना ध्यान कम करेंगे और कहीं और अपने माइंड को लगाएंगे, कुछ इस तरह का रुझान यहाँ से नज़र आ रहा है। तो यह सारे जो एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, मैंने पूरी कोशिश की कि पूरे के पूरे हैंड के जो चिन्ह थे उनके बारे में डिस्कशन कर सकूं, और मैंने कोशिश की और किया भी, और फिर भी कोई ना कोई चिन्ह ऐसा जरूर है जो रह जाता है कई बार, जिसके बारे में कई बार नहीं बोला जाता। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट सेक्शन में उस चिन्ह के बारे में ज़रूर बताएं ताकि इनकी हेल्प हो सके। और अभी यहाँ पर इस वीडियो को मैं बंद कर रहा हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर ये वीडियो अच्छा लगे इसे लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ मेरा ये चैनल भी सब्सक्राइब करें ताकि आपके लिए ऐसे ही और वीडियोस लेकर मैं टाइम टू टाइम आता रहूँ। मेरा ये वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।